आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। ये दोनों ही महापुरुष हम सब के आदर के केंद्र हैं, इसलिए मैं इस मौके पर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों के चरणों में अपने विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का यह कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, तो 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा की दृष्टि से, रचनात्मकता की दृष्टि से, समर्पण की दृष्टि से पूरे देश में कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी योजना के अंतर्गत मोदी जी का शासकीय काम करते हुए 20 साल भी इस वर्ष में पूरे हो रहे हैं, तो ये कार्यक्रम भी पार्टी ने तय किया कि एक व्यक्ति कैसे निर्माण होता है और उसके द्वारा देश और समाज के लिए क्या क्या योगदान होता है, यह विषय भी लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी मूलतः संघ के स्वयंसेवक और संघ के प्रचारक से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, जिसको बाल्यावस्था कहते हैं, वो अवस्था उनकी बहुत ही संघर्षमय अवस्था थी। जैसा कि सारा देश जानता है कि अपने परिवार के संचालन के लिए इतनी कम आयु के बच्चे को अगर स्टेशन पर चाय बेचना पड़े तो यह निश्चित रूप से एक विचारणीय विषय है। लेकिन बाल्यकाल के बाद जैसे ही तरुण अवस्था उनकी आई तो उसके बाद जैसे कोई व्यक्ति कुछ खोजना चाहता है, ऐसा खोज में उन्होंने काफी समय बिताया। पूरे देश का देशाटन किया, हिमालय जैसी कंदराओं में महीनों बिताए, साइंटिफिक निकेतन जैसे आश्रमों में कई साल उन्होंने अपने आप को उस पर रमा के रखा और जो मठ मंदिर आश्रम शिक्षा के केंद्र किसी व्यक्ति को प्रेरणा दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को दिशा दे सकते हैं, ऐसे आश्रमों में उनका एक लंबा जीवन का कालखंड व्यतीत हुआ।
संघ का काम करते रहे, जो खोजना था वो खोजते रहे, और उसके बाद लगभग 90 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का काम उनके साथ आया। भारतीय जनता पार्टी के वे राष्ट्रीय महामंत्री थे, उससे पहले गुजरात में संगठन मंत्री थे, और महामंत्री रहते हुए वो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी थे। मैं उस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी था, मेरी भी आयु कम थी, तो चूंकि जब मोदी जी का आना होता था तो कम उम्र का मैं था, तो इसीलिए मुझको ड्यूटी पर लगाया जाता था कि उनको स्टेशन से लेके आना और उनको छोड़ने तक की जिम्मेवारी निभानी। मैंने उस समय ये देखा कि उनका जीवन बहुत कठोर था, दृष्टिवान था, विचारवान था, नई नई योजनाओं की कल्पना उनके मन में रहती थी, और पार्टी का पदाधिकारी रहते हुए पार्टी को भी उन्होंने अपने विजन का बहुत लाभ दिया। संगठन मंत्री की भूमिका रहते हुए एक समय ऐसा आया कि गुजरात की राजनीति लड़खड़ा गई। एक बदले, दूसरे बदले, और अंततः वत्ता पार्टी को लगा कि नरेंद्र मोदी जी को इस जीवन से निकालकर गुजरात का काम सौंपना चाहिए। तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। सामान्य तौर पर लोगों को लगता है एक स्वयंसेवक है, प्रचारक है, कभी विधायक भी रहा, कभी पार्षद भी रहा, कभी IAS ऑफिसरों से पाला नहीं पड़ा, तो सरकार का कोई अनुभव ही नहीं है, तो क्या सरकार चलाएंगे, ऐसा मानस होना स्वाभाविक है, गलत भी नहीं है, क्योंकि जो लोग जितना जानते हैं उतना ही अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री बने तो दो चीजें हुई, एक तो बनते बनते ही गोधरा कांड हो गया, और थोड़ा सा उससे सांस मिल पाती तो भूकंप आ गया, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को अध्ययन करना है तो गुजरात जाकर देखना चाहिए कि इन दोनों संकट के समय में आज मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्शन क्या था, और खास तौर से जिन लोगों को राजनीति करनी है उनको भी देखना चाहिए, और जिन लोगों को अफसरी करनी है तो उनको भी ध्यान में आएगा ऐसी संकट के कालीन घड़ी में एक CM के नाते जो एक्शन है वो एक्शन कितना कारगर होगा। भूकंप से जो लोग पीड़ित थे, नरेंद्र मोदी जी ने एक एक व्यक्ति को नया मकान बनाकर बसाया, और सवाल इसका नहीं कि नया मकान सरकार से दे दिया हो, चलो भाई 1-1 लाख रुपया ले, सरकार से उनने वही दिया जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर 100 रुपए में 10 रुपए का काम ऐसा है जो कोई डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जितने लोग हैं सबको इकट्ठा करके जैसे
व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न होता है, ऐसा प्रयत्न करके जन सहयोग से उन्होंने एक तौर से नया जिला बसा दिया। दूसरा, यहां बहुत सारे पुराने लोग भी बैठे हैं, हम लोग तो मध्य प्रदेश के हैं तो हमारे यहां ज्यादा झंझट नहीं है, लेकिन देश में बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन राज्यों में साल में कम से कम 4-5 महीना हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण कर्फ्यू लगा रहता था, और देश के उन राज्यों में गुजरात भी एक राज्य था। अहमदाबाद तो 6 महीने कर्फ्यू में रहता था, और गुजरात के तमाम सारे जिले हैं जिनमें दंगा मारा कूटी और उसके बाद कर्फ्यू। नरेंद्र मोदी जी को देखने की जिसकी जैसी दृष्टि है वैसे देखता है, लेकिन ऐसा राज्य जिस राज्य में धार्मिक और मजहबी उपद्रव के कारण जो राज्य 6 महीने कर्फ्यू में रहता हो, उस राज्य में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। गोधरा का कांड हुआ, उस पर काबू पाया, उसके लिए जो तरीके अपनाना आवश्यक थे वो अपनाए, बिना किसी के परवाह किए अपनाए, और उस दिन के बाद से लेकर आज तक आप गुजरात का अखबार उठाकर देख लो, नरेंद्र मोदी के रहते हुए और 7 साल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए गुजरात में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक बार भी दंगा नहीं हुआ। तो आखिर वो कौन सा काम था जिसके कारण गुजरात में एकदम बदलाव आ गया? गुजरात में कोई जनता थी, कोई हिंदू थे, कोई मुसलमान थे, कोई विषय झगड़े के थे, हर 2 महीने में एक बार झगड़ा होता था। मैं पिछले बार गुजरात के चुनाव में था, अब चुनाव होता है तो आमने सामने होता ही। नई पीढ़ी के लोग थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि जब हमारी सरकार नहीं थी और सरकारें थी उस समय गुजरात कितना लहूलुहान था। तो गुजरात को कानून व्यवस्था की दृष्टि से बदलने का काम, गुजरात सूखा राज्य था, गुजरात में पानी नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने प्रयत्न पूर्वक मध्य प्रदेश में भी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र में भी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज्यादा नर्मदा जी के जल को ले जाकर गुजरात को हरित क्रांति में बदल दिया। ये अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है, आप लोग अहमदाबाद जाओगे तो गांधी आश्रम देखने जाते हो, साबरमती नदी को जिस हिसाब से विकसित किया, जो तो अपने आप में एक उदाहरण है, यार विदेशी मेहमान भी आता है तो उसको देख के चक्कर खा जाता है, लेकिन साबरमती नदी की स्थिति नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ऐसी थी कि अहमदाबाद के बच्चे उसमें क्रिकेट खेलते थे। आज बदलाव देख लो, कच्छ में खेती हो सकती है क्या? बनासकांठा में खेती हो सकती है क्या? टेक्नोलॉजी का उपयोग
जब इन जिलों में इतनी आधुनिक खेती है कि अगर देश में कृषि उत्पाद का जो निर्यात है वो 7,000 करोड़ का है तो उसमें से आधा गुजरात का ही होता है। ड्रिप इरिगेशन की बात आज होती है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की बात आज होती है, वो ड्रिप इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए कर दी। मुझे ध्यान है गुजरात में बिजली की कमोबेश वैसी स्थिति थी मोदी जी के आते आते जैसी 2003 से पहले मध्य प्रदेश में। मोदी जी ने ग्राम ज्योति योजना आरंभ की, नीचे तक बिजली पहुंचाने का प्रयत्न किया और उसके कारण संघर्ष भी बहुत हुआ। वो बिजली चोरी के खिलाफ थे और उन्होंने लोगों से कहा अगर बिजली चाहिए तो चोरी रोकना पड़े। टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए, अंततोगत्वा हिंदुस्तान में सिंचाई की बिजली और घरेलू निस्तार की बिजली फीडर सेपरेशन करने के बाद गुजरात पहला राज्य था हिंदुस्तान में जिसमें किसान को 24 घंटे बिजली मिली। गुजरात के बाद फिर हमारा मध्य प्रदेश हुआ, अब उत्तर प्रदेश में भी मिलती है बिजली, ये ऑल ओवर बिजली अब हिंदुस्तान के पास सरप्लस है। गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसका बेटा बेटी अच्छी शिक्षा पा पाए, इसमें शिक्षा की दृष्टि से टेक्नोलॉजी का उपयोग, चिकित्सा की दृष्टि से टेक्नोलॉजी का उपयोग, अनेक योजनाओं का सृजन, मतलब एक तौर से अद्भुत है। मतलब संवेदनशीलता की तो ये हद है कि नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके राज्य में गाय का अगर मोतियाबिंद आ जाए तो गाय के मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन नरेंद्र मोदी की सरकार कराती थी, उनकी सरकार में नहीं। और अगर विकास की दृष्टि से आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा इन्वेस्टर समिट होती है तो कुछ उद्योगपति बुलाए जाते हैं, कभी अपने यहां भी इंदौर में होती है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं होती है, और उसमें कहा जाता है कि भाई हमारे राज्य में ये सुविधाएं, आप हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करो। ऐसी बहुत सारी जगह होती है। 5 तारीख को आसाम में मैं ऑयल पाम की दृष्टि से इन्वेस्टर समिट में जा रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के विजन की ये तारीफ है कि इन्वेस्टर समिट तो पूरे देश में हर राज्य हर मुख्यमंत्री करता है लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। बाई बेल्ट गुजरात, ये इन्वेस्टर समिट को नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया और इसको इतनी हाइट दी कि आज अमेरिका में भी आप पूछोगे ना तो अमेरिका में 1 साल पहले वाइब्रेंट गुजरात में आने के लिए आदमी टिकट करा के रखता है। ये दृष्टि का अंतर है। और कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि वाइब्रेंट गुजरात होगा तो वो 3 दिन का होगा लेकिन एग्रीकल्चर का समिट होगा तो पूरा 1 महीने का होगा। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी वहां मौजूद होगी और जिले तय होंगे। आज इतने लोग इतने जिले से आएंगे,
रोज दिन भर देखेंगे, भोजन करेंगे और टेक्नोलॉजी को अपना यहाँ लेके जाएंगे, उससे खेती का विकास करेंगे। मुझे ध्यान है कि पिछले कार्यकाल में मेरे पास पेयजल और स्वच्छता का मंत्रालय बीच में था, तो स्वच्छता के विषय को लेकर मैंने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया महिला सरपंचों का। उसमें लगभग 7-1 हजार महिला सरपंचों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और शेष गुजरात राज्य की महिला सरपंच रही। तो मैंने मोदी जी को आग्रह किया कि ये स्वच्छता का कार्यक्रम है और विशेष रूप से महिलाओं का है और महिलाओं के क्षेत्र में अनुभव ज़्यादा अच्छे रहे, अगर आप रह सकते हैं तो ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 14 लाख महिला प्रतिनिधि हैं पंचायती राज क्षेत्र। तो मुझे ने कहा अच्छा ठीक है मैं रहूँगी। मोदी जी ने बुला के मुझे पूछा कि क्या क्या होगा, तो मैंने उनको तो नहीं बताया ये लोग आएंगे ऐसे रुकेंगे, 10:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा, फिर आपका उद्घाटन होगा, फिर ये सेशन होगा, ये सेशन होगा और उसके बाद शाम को हम मुख्यमंत्री से समापन कराएंगे। 7 हजार लोग आ रहे हैं तो और कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि 7 हजार बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनको गुजरात में कुछ तो दिखाना चाहिए, चुने हुए लोग आ रहे हैं तो उन्होंने तय किया कि 1,500 लोगों को बड़ौदा में रुकाओ और वहां अमूल का प्लांट दिखाओ, 2,000 लोगों को फला जगह रुकाओ, पूरा लोड अहमदाबाद पर मत करो। और ऐसे उन्होंने बांट दिया और मुख्यमंत्री को कहा कि भाई 7,000 लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो कम से कम वो गुजरात से कुछ लेके जाए, ये तो ध्यान रखो। खुद उन्होंने कार्यक्रम बनवाया जबकि ये प्रधानमंत्री की ये बहुत छोटी चीज। गुजरात में जो उनका अपना अनुभव था और जो गुजरात की सफलताएं थी उसके कारण आपको ये भी ध्यान में आया कि गुजरात मॉडल की बात बहुत हुई। गुजरात मॉडल देश भर में बड़ा प्रसिद्ध हुआ, दुनिया में कई देशों के और राज्य थे जो अपने वर्षन में गुजरात मॉडल के अनुसार काम करो इस पर चर्चा होने लगी। और साथ ही साथ गुजरात की जो अच्छाइयां थी उनको उन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर ऐसे परोसा कि गुजरात गुजरात होने लगा। दो हजार 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को अपनी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, उसके बाद तो गुजरात मॉडल की और चर्चा होने लगी, उसी में से फिर निकला वो 56 इंची का सीना फलाना ढिकाना ये सब बात। तो अब चुनाव प्रचार के बाद सरकार बन गई, आप सब ने देखा होगा कि एक तो 282 सीटों का बहुमत बीजेपी को और एनडीए को मिलाएं तो 334 सीट, एक पार्टी को इतना बड़ा बहुमत भारत में 30 साल बाद मिला। तो मोदी जी को नेता चुना जाना था तो सारे एनडीए के लोग मस्त थे,
ने भाषण दिया। एक लाइन में मैं आपको उस लाइन को बताना चाहता हूं, आप उसका जितना विश्लेषण कर सकते हो उसकी सीमा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में उस समय 10 बातें कही होंगी, लेकिन सबसे मूल बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि 30 साल बाद किसी एक दल को देश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है। ये बहुमत सरकार का संचालन करने के लिए नहीं है। सरकार में तो जिसे बना दो तो चली जाती है वो। शैल चतुर्वेदी जी एक कविता सुनाया करते थे कि एक नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कि अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर ने कहा कि मंत्री जी गाड़ी आप बेशक चला लो, लेकिन जब आप चलाओगे तो मैं उतर जाऊंगा। तो मंत्री जी ने आके तरेर के कहा कि उतर जाएगा तो ऐसे के ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ड्राइवर ने कहा मंत्री जी ये कार है, सरकार थोड़ी है, भगवान करोगे चल जाएगी। शैल चतुर्वेदी जी की ये चार लाइनें बड़ी फेमस थी एक जमाने में। तो कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि ये बहुमत सरकार के संचालन के लिए नहीं, सरकार का संचालन तो कोई भी कर सकता है। उन्होंने कहा यह बहुमत जनता ने इसलिए दिया है कि देश के हालात बदलना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब हालात बदलने की यात्रा होती है तो उसमें दिक्कत अपनों को भी होती है, लेकिन जनता ने मैंडेट अगर इसलिए दिया है तो ये दिक्कत झेलने की मानसिकता अपने लोगों को बनाना चाहिए। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि गाड़ी किस दिशा में जाना चाहती है। नहीं तो आज आपकी ही बोल रहा है मैं बहुत आभारी हूँ, मजा आ गया और आपने बड़ा प्यार दिया, लाड़ दिया, पुराना दिया। और फिर जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के रूप में काम शुरू किया तो पहला दिन था, पहली कैबिनेट थी और उन्होंने ब्लैक मनी पर SIT बनाई जो परसों से लंबित थी। और साथ ही उनके कार्यक्रम बहुत छोटे थे। जब पहले 15 अगस्त को उन्होंने अपना भाषण दिया तो उन्होंने एक कार्यक्रम लिया, हर घर में शौचालय। जब उन्होंने ये कार्यक्रम लिया था तो 100 में से 65 घर में हिंदुस्तान में शौचालय नहीं था। तो लोगों ने यह भी टिप्पणी करी है प्रधानमंत्री को तो बड़ी बड़ी बातें करना चाहिए, शौचालय के बाद प्रधानमंत्री करेंगे तो बहुत छोटी बात है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान और एक शौचालय ये छोटी बात नहीं है। विश्व के पटल पर जब किसी कंट्री की रैंकिंग होती है तो उसमें बारीक बारीक चीजों की रैंकिंग होती है। हिंदुस्तान के पीछे रहने का एक बड़ा कारण गंदगी भी थी। हमारे स्वच्छ भारत अभियान ने देश की गंदगी दूर करने का तो प्रयास किया ही, देश की रैंकिंग दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर बने ये तो स्थापित किया ही, लेकिन जब हिंदुस्तान में स्वच्छता होती है तो हिंदुस्तान दुनिया का बहुत बड़ा भूगोल है, तो
हिंदुस्तान का प्रतिशत जब दुनिया के प्रतिशत में जुड़ता है तो दुनिया भी कह सकती है कि हम कितने परसेंट स्वच्छ हो गए। फिर गैर बराबरी क्या है? गैर बराबरी तो यही है ना कि भाई मेरे घर में शौचालय है तो आपके घर में नहीं, मेरे घर में रोटी गैस के सिलेंडर पर बनती है आपके घर में नहीं है, मेरा अपना मालिकी का मकान है आपका मकान नहीं है, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, यही तो गैर बराबरी है ना। तो अगर इसको इस दृष्टि से भी देखें तो गैर बराबरी को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश में करोड़ों शौचालय 2-3 साल के भीतर बन जाना, जो 70 साल में नहीं बन पाए अपने आप में एक बड़ा कदम। और मुझे ध्यान है मैं उस समय मंत्री था, मेरे मंत्री होने से पहले एक WHO की स्टडी आई थी और उस स्टडी में WHO ने कहा था कि खुले में शौच करने के कारण हिंदुस्तान के बच्चों में डायरिया फैलता है और उस डायरिया से प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में 7 लाख बच्चे मर जाते हैं। ये WHO की स्टडी थी। और उसके बाद जो महिलाओं का कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 साल जो कार्यक्रम चला आगे बढ़ा, उस समय फाइनल नहीं हुआ था, पूरा कंट्री ओडीएफ, उस समय काम करते समय ये स्टडी फिर WHO ने की और WHO ने कहा कि भारत स्वच्छता की दृष्टि से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जितना देश ओडीएफ हुआ है उसके कारण गत वर्ष 7 लाख बच्चों के बजाय 3.5 लाख ही मरे हैं, 3.5 लाख बच्चों को बचाने में भारत सफल हुआ। आप सोचो ये शौचालय कितनी दूरी तय करता है। फिर आप देखो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गरीब व्यक्ति का खाता होना चाहिए, लोगों ने कहा खाता क्या करेगा, पैसे ही नहीं होंगे तो खाता क्या करेगा। लेकिन आप सोचो किसी कंट्री को आपको डेवलप कंट्री बनाना है, उसकी आधी आबादी का बैंक से संबंध नहीं, और जिसका बैंक से संबंध नहीं है वो तो विकास में कोई योगदान दे ही नहीं सकता। आमतौर पर जो योगदान है वो पैसा जो लोगों के सामने है, टैक्स पेइंग मनी है बैंक्स में, वही तो एक्चुअल में आपकी पूंजी है, बाकी किसी के पास सोने की ईंटें रखी भी रहे तो फायदा क्या है, अपने घर में ही रखो, सवेरे शाम देखो, पूजा करो और क्या कर सकते हो। लेकिन देश की आधी आबादी बैंकिंग सिस्टम से बाहर है और हम कह रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री बनेंगे, उनका बैंक में खाते ही नहीं है। मुझे ध्यान है नरेंद्र मोदी जी ने जनधन अकाउंट के बारे में अनाउंस किया लाल किले से और उसके बाद उन्होंने बुलाया सब, तो बैंक के लोग तो मतलब हाथ पैर ही हिल गए, क्योंकि एक बैंक साल में 150 खाता खोलती पूरे साल में और वो भी उन्हें लगता है जरूरी है तो खोलती है, मतलब कई बैंक तो ऐसी है कि ईजी को एक खाता खोलने को मना ही कर देती है कि भाई हमारे पास जगह नहीं, अब ये तो करोड़ों खाते खोलना है। तो बैंक ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं, पीएम ने कहा कि भाई ये तो अनाउंसमेंट हो गया है इसको पॉसिबल करना पड़ेगा, कैसे होगा मैं नहीं जानता और मुझे एक साल में चाहिए, इसके लिए जिंदगी नहीं चाहिए कि पूरी मेरी जिंदगी में मैंने कार्यक्रम घोषित कर दिया, अब हर साल
10,000 20,000 50,000 बनाते रहो, मुझे एक साल में चाहिए। तो बैंक्स के लोगों ने कहा कि भाई सारे काम छोड़ना पड़ेंगे। पीएम ने कहा ओवरटाइम कर लो, दिन में बैंक का काम कर लो, रात में खाते का काम कर लो। मतलब बात यहां तक हुई कि बैंक के लोगों ने कहा कि खाता खोलना है तो फार्म लगेगा, स्टेशनरी लगेगी, इसका पैसा कहां से आएगा? मोदी जी ने कहा वो पैसा बजट से दे देंगे। चूंकि बैंक भारत सरकार के पैसा जमा होने के कारण थोड़ा नियंत्रण में रहता है, मुझे ये कहते हुए बहुत गौरव है कि 42 करोड़ जनधन अकाउंट खुले देश में। और लोग कहते थे कि पैसा लोगों के पास जमा करने को नहीं है, तो मोदी जी ने कहा जीरो बैलेंस पर खाता खोल दो। 42 करोड़ खातों में गरीब आदमी का कितना पैसा जमा हुआ अंदाजा? 1,52,000 करोड़ रुपया इन जनधन खातों में गरीब आदमी ने अपने जेब से निकाल दिया। आप सोचो एक स्टेप से 50% आबादी बैंक के कॉन्टेक्ट में आ गई और 1,52,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा हो गया, तो बैंक की ताकत भी बढ़ गई क्योंकि उसके पास पैसा जमा है, वो ब्याज देगा तो वो किसी को ब्याज भी देने वाला भी। लेकिन लोग उस समय समझ नहीं पा रहे थे। मोदी जी कभी कभी हंसते हुए बोलते हैं यार अभी भी केंद्र में लोग समझ नहीं पाते कि आगे मोदी क्या कर रहे हैं। बोले गुजरात के लोग समझने लगे थे कि अब ये हुआ है तो ये होएगा। आप सोचो कि इन खाते का फायदा कितना है। आज जितनी छात्रवृत्ति है सब व्यक्ति के अकाउंट में जा रही है, कोई दलाल नहीं। नहीं तो जो छात्रवृत्ति आती थी पहले कलेक्ट्रेट में आती थी, फिर कलेक्ट्रेट में जाओ चक्कर लगाओ, फिर स्कूल वाला चक्कर लगाता था, फिर इधर करो उधर करो फलाना करो ऐसा करो वैसा करो, दुनिया भर के धन धन के बाद आधिपति पल्ले पड़ती। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं और जमीन में जाके वो 15 ही पहुंचते हैं। लेकिन आज आप गारंटी जी कह सकते हो कि 100 रुपया भेजा जाता है तो 100 रुपया व्यक्ति के अकाउंट में। मेरे विभाग में पीएम किसान सम्मान निधि है, जिस योजना में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है प्रतिवर्ष, 11.5 करोड़ लोग अभी उस योजना में रजिस्टर्ड हो गए। 1 करोड़ के आसपास मुझे लगता है 1.25 करोड़ और आएगा उसका। पश्चिम बंगाल रेल सेवा हुआ बाकी को छूटे रहते हैं, 11.5 करोड़ अभी हैं। पिछले 2.5 साल में 11.5 करोड़ किसानों को हम लोगों ने 1,62,000 करोड़ रुपया यूं बटन दबा के 5 मिनट में ट्रांसफर कर दिया। नहीं तो किसान को ये पैसा मिलता क्या बताओ? हम जब इकट्ठे हो जाते हैं एक आध किस्त हो जाती है 20,000 करोड़ रुपया देना होता है तो प्रधानमंत्री जी को निवेदन करते हैं, वो आते हैं एक बटन दबाते हैं 10 मिनट में पूरा 20,000 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में चला जाता है। ये जनधन अकाउंट खुलने का परिणाम है कि दलालों की संख्या बंद हो गई। फिर क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो गरीबी का क्षेत्र हो चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो हमारा देश का जीडीपी
मैं 50% योगदान कृषि का होता था। धीरे धीरे कृषि का योगदान कम हुआ और बाकी चीजों का योगदान बढ़ता गया। इंडस्ट्री आ गई, व्यापार आ गया, बाकी चीजें आ गई। ये योगदान क्यों बढ़ा? इंडस्ट्री लगाने के लिए कानून बने, इंडस्ट्रियल एरिया शुरू किए गए, टैक्स रिबेट दी गई, एक बार नहीं 50 बार रिफॉर्म किए गए। तो जब जरूरत पड़ी तब रिफॉर्म हुआ अनेक चीजों के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर में कभी भी रिफॉर्म आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। दूसरा, जो क्षेत्र ग्रो कर रहा है उस क्षेत्र में निजी निवेश है। कोई व्यक्ति ट्रक ले रहा है, 5 लाख अपने लगाता है, बाकी लोन के लेता है, 5 लाख उसके हुए, बैंक का पैसा आया, तो ट्रांसपोर्ट का व्यापार ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वही पैसा लगा है क्या? पैसा लगे इसका रास्ता ही नहीं है। ये एक्सरसाइज 20 साल से चल रही थी। मोदी जी ने कृषि सुधार कानूनों के माध्यम से इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यही कानूनी सुधार आने वाले कल का देश की कृषि को स्थिर करेगा और प्रावधानित करेगा। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए आज पूरा बैंक तैयार बैठा है। आप किसान पोर्टल पर मेरे विभाग में अप्लाई करो प्रोजेक्ट, वो पोर्टल में आपका प्रोजेक्ट जाते ही बैंक में पहुंच जाएगा। 1 महीने में 2 बार सारे बैंकर्स हमारे ऑफिस में आकर बैठते हैं, ये प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? मतलब कोई व्यक्ति बैंक का डिफॉल्टर है तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य तौर पर 90% लोगों को लोन मिलेगा तो डिफॉल्टर नहीं। 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लगे, देश से बाहर अगर आप देखोगे तो एक समय था जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका, चीन, रूस जाते होंगे तो देश में कोई हलचल होती थी क्या? आज नरेंद्र मोदी जी अगर जाते हैं तो पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देखती है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं और क्या कहने वाले। एक समय था पाकिस्तान चाय जब आतंकवादी भेज देता था, घटना करा देता था, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिल रहा, उसके पीछे खड़ा हो। और ऐसा नहीं है, बहुत ताकतवर लोग उसके पीछे हैं, हम इस बात को जानते भी हैं, लेकिन मोदी जी ने देश की ताकत को इस तरीके से दुनिया के राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत किया है कि अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है तो मेरे पास जन शक्ति है। तुम्हारे पास पैसा है तो मेरे पास आध्यात्मिक शक्ति। कौन सोचता था कि योगा को दुनिया के 122 देश स्वीकार कर लेंगे? योगा कोई नई चीज है क्या? मुझे लगता है जब से धरती बनी होगी तब से हमारे साधु संत योगा के विधा को अपना रहे, कर रहे, जिसकी जितनी क्षमता है। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बने तो संयुक्त राष्ट्र सभा में उन्होंने कहा कि योगा को सारी दुनिया ने स्वीकार करना चाहिए, और आज 21 जून को 122 देश योगा डे मनाते हैं। यह भारत की अपने आप में बड़ी सफलता है। मुझे ध्यान है जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय किसी विषय को लेकर बैठक, और उसमें मुख्यमंत्री भी थे और मंत्री
करनी है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को और उन्होंने कहा था कि हमारा देश बड़ा है लेकिन देशों की बड़ी संख्या ऐसी है जहां सूर्य अधिकतम तपता है और जहां सूर्य अधिक तपता है ऐसे सब देशों को इकट्ठा करके सौर ऊर्जा के लिए हमको गठबंधन करना चाहिए और ग्रीन एनर्जी की लीडरशिप हिंदुस्तान को अपने हाथ में लेना चाहिए। मनमोहन सिंह जी पैर नहीं कर पाए पेरिस वाले क्लाइमेट चेंज के सम्मेलन में मोदी जी गए, ऐसे सारे देशों को इकट्ठा किया, सोलर अलायंस बन गया, हिंदुस्तान के हाथ में लीडरशिप आ गई और आने वाले कल में हम ग्रीन एनर्जी पे जाएं उस मामले में हिंदुस्तान आज सबसे अग्रणी स्थिति में है। सुधार तब होता है जब अपन सुधरे हुए हो, दूसरा सुधार तब होता है जब एजेंडे में अपना हित न हो सिर्फ देश का हित हो। मोदी जी का जीवन जब तक तपस्या और संघर्ष से भरपूर है, जब उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षा है कि बदलाव लाना चाहिए तो फिर चाहे वो सवाल नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे धारा 370 को खत्म करने का हो, चाहे 35A को खत्म करने का हो, चाहे सीए को लाने का हो और चाहे कृषि सुधार कानूनों को लागू करने का हो, सारा का सारा काम तभी हो सकता है जब अपना हित नहीं है। यह मोदी जी ने निश्चित रूप से करके दिखाया है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और गौरव की बात है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ईश्वर उन पर आशीर्वाद की वर्षा करे, जनता की ताकत उनके साथ खड़ी रहे और आने वाले कल में उनके नेतृत्व में भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे और हमारे पूर्वजों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भाई साहब का।